गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज बीएससी थर्ड ईयर पेपर सेकंड का आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है? तो हिस्टोग्राम में इस प्रकार के ग्राफ में ग्राफ बनाया जाता है। इस प्रकार के ग्राफ में कोई गैप नहीं होता है, नो गैप, कोई गैप नहीं होता। जैसा कि बार डायग्राम में गैप होता था, इसमें कोई गैप नहीं होता। ये भी बार डायग्राम की तरह, बार डायग्राम की तरह टू या मोर, टू और मोर वेरिएबल की स्टडी करने में यूज होता है या स्टडी की जाती है। तो बार डायग्राम की तरह इसमें भी दो या दो से अधिक वेरिएबल की स्टडी की जाती है। इसे जनरली एरिया डायग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं 100 लोगों में एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर 100 लोगों के अंदर हीमोग्लोबिन की परसेंटेज निकालना है। तो यह है हीमोग्लोबिन परसेंटेज और इनकी क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। तो 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20, तो इनकी फ्रीक्वेंसी आएगी 10, 20, 40, फ्रीक्वेंसी है 20 और 10। अब इनका हमें क्या करना है, इनका हमें बनाना है हिस्टोग्राम। क्या बनाना है? हिस्टोग्राम बनाना है, करना है हिस्टोग्राम बनाना है। तो यह है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्लास लिखना है हमें। क्लास हो गया 0, 10, 20, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ये होगी एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस। अब यहाँ पर कहा 10 से लेकर 12 तक 10 हो गया, तो यहाँ से 10 से 12 तक है, ये हो गया 10। दूसरा है 12 से 14 तक 20 है, यानी कि 12 से 14 तक 20 हो गया, तो 10 और 10 20 हो गया। 14 से 16 है 40, 40 यहाँ आ रहा है, 14 से 16 हो गया 40, 16 से 18 20, 16 से 18 हो गया 20, 18 से 20 है 10, तो 18 से 20 हो गया 10। इस प्रकार जो डायग्राम बन गया, इस डायग्राम को क्या कहेंगे, ये हो गया क्लास, और ये पूरा डायग्राम क्या कहलाएगा, हिस्टोग्राम कहलाता है। थैंक यू वेरी मच।